अंबेडकर नहीं चाहते थे सीजीआई करें जेजो की नियुक्ति। अंबेडकर बोले चीफ जस्टिस में भी होती है कमजोरी। एक शख्स के हवाले नहीं छोड़ सकते पूरी न्यायिक व्यवस्था। जजों की नियुक्ति के मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम और केंद्र सरकार के बीच लगातार तनातनी चल रही है। सरकार कॉलेजियम की हर सिफारिश पर अमल नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट सरकार को कई बार चेतावनी भी जारी कर चुका है, लेकिन सरकार कहती है संविधान के हिसाब से जजों की नियुक्ति उसका काम है। भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल मानते हैं जजों की नियुक्ति का काम विशुद्ध रूप से सरकार का है, संविधान ने ही व्यवस्था की। संविधान सभा का एक वाक्य बताकर कहा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सलाह दी गई थी जजों की नियुक्ति का काम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन उन्होंने सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया था। पूर्व अटॉर्नी जनरल ने क्या कुछ कहा है हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अम्बेडकर ने जजों की नियुक्ति पर क्या कहा था? वेणुगोपाल ने एक वाक्य का जिक्र करते हुए कहा, जब संविधान को बनाने पर बहस चल रही थी तब सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति को लेकर संविधान सभा में सलाह दी गई थी कि जजों की नियुक्ति पूरी तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर छोड़ देनी चाहिए। वेणुगोपाल का कहना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस मत को खारिज करते हुए कहा, सीजीआई केवल एक शख्स है, दूसरे शख्स की तरह उनकी भी अपनी कमजोरी और ताकत है। एक शख्स के हवाले पूरी न्यायिक व्यवस्था को नहीं छोड़ा जा सकता, इसके प्रतिकूल परिणाम भी सामने आ सकते हैं। जजों की नियुक्ति करना सरकार का काम। पूर्व अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अनुसार संविधान में जजों की नियुक्ति का जिम्मा राष्ट्रपति को दिया गया। भारत में राष्ट्रपति सरकार की सलाह पर काम करते हैं, यानी जजों की नियुक्ति पूरी तरह से सरकार का काम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम बनाकर इस काम को पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया। एनजीसी एक्ट जजों की नियुक्ति करने के लिए बेहतरीन विकल्प। इंडियन एक्सप्रेस को दिए अपने एक विशेष साक्षात्कार में पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल कहना है, जजों की नियुक्ति के लिए एनजीएसी एक्ट बेहतरीन विकल्प है। इसमें व्यवस्था है कि 6 लोगों का पैनल सारे काम को देखेगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट अपने 3 जजों को तैनात कर सकता है, 4थे मेंबर्स के रूप में कानून मंत्री और 5वें और 6ठे सदस्य के तौर पर किसी नामचीन शख्सियत को लिया जाना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को ही खारिज कर दिया क्योंकि उसे लगता था पैनल में 3-3 का अनुपात उसे कमजोर बना सकता है। वेणुगोपाल का कहना है उन्होंने सुझाव दिया था कि पैनल 5 सदस्य तक सीमित कर दी जाए। पिछले 5 दशकों में पहली बार था जब सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में संशोधन के किसी फैसले को खारिज किया था। जवाहरलाल नेहरू की सरकार के समय ये काम कई बार हुआ था, तब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के कई ऐसे फैसलों को खारिज कर दिया था जिनमें संविधान में फेरबदल किया गया था। ये 1950 के दशक की बात है। सुप्रीम कोर्ट को संसद का सम्मान करना चाहिए। वेणुगोपाल का कहना है उनके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को संसद का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो लोगों के जरिए चुने जाते हैं। ज़्यादातर जज साधन संपन्न तबके से आते हैं, वो केवल वकीलों की दलीलों पर अपना फैसला सुनाते हैं। उन्हें हर 5 साल में जनता के बीच नहीं जाना पड़ता, ऐसे में वो जनता की नब्ज को नहीं पहचानते, जबकि सरकार को संसद में कोई भी फैसला पारित कराने से पहले एक प्रक्रिया से गुजरना होता है। पहले बिल पेश होता है, फिर उस पर बहस होती है, तमाम सदस्य अपनी राय रखते हैं, कमेटियाँ भी फैसले को परखती हैं।